नयनतारा संग रोमांस करते नजर आएंगे शाहरुख खान फिल्म जवान में। शाहरुख और नयनतारा के इस रोमांटिक सॉन्ग को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि बॉलीवुड और शाहरुख खान से जुड़ी हर फिल्मों की अपडेट हम आपको यहां बता सके। तो चलिए जानते हैं इस खबर के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको यह पहले जानकारी दे चुके हैं कि फिल्म जवान में टोटल 6 सॉन्ग होने वाले हैं, और हमने यह भी बताया था कि इस फिल्म से 4 सॉन्ग फिल्म की रिलीज से पहले रिलीज किए जाएंगे और फिल्म के 2 सॉन्ग फिल्म की रिलीज के साथ रिलीज होंगे। यानी कि 2 सॉन्ग जब फिल्म रिलीज होगी तो आप उन सॉन्ग्स को थिएटर्स में देख सकेंगे। वैसे बता दें कि यह सॉन्ग अलग अलग जॉनर के हैं, कोई रोमांटिक है, कोई डांस सॉन्ग है तो कोई आइटम सॉन्ग। तो बता दें कि इस फिल्म में एक रोमांटिक सॉन्ग रखा गया है जो नयनतारा और शाहरुख खान के बीच है। इस रोमांटिक सॉन्ग में शाहरुख खान नयनतारा संग रोमांस करते हुए नजर आएंगे। यह पहली बार होगा जब शाहरुख खान की जोड़ी नयनतारा संग देखने को मिलेगी, वो भी रोमांटिक मूड में। और जैसे कि दोस्तों, इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर पहले वायरल हो चुकी है जिसमें शाहरुख और नयनतारा समंदर के किनारे रोमांस करते हुए नजर आए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें तो इस सॉन्ग की रिलीज को लेकर भी खबर आ चुकी है। बताया जा रहा है कि इस सॉन्ग की रिलीज से पहले एक आइटम सॉन्ग रिलीज किया जाएगा और फिर रिलीज होगा फिल्म जवान का ये रोमांटिक सॉन्ग। इस सॉन्ग को लेकर कहा जा रहा है कि यह नयनतारा का इंट्रो सॉन्ग होने वाला है जो कि अगस्त के 3rd वीक में रिलीज किया जाएगा। हालांकि दोस्तों बता दें कि अब तक इसे लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, लेकिन हाँ यह जरूर है कि इस फिल्म में 6 सॉन्ग रखे गए हैं। अब देखते हैं कि पहला सॉन्ग इस फिल्म से कौन सा रिलीज हो रहा है। वैसे बात करें इस फिल्म की रिलीज को लेकर तो यह फिल्म 7 सितंबर को रिलीज हो रही है। फिल्म में शाहरुख खान लीड रोल में नजर आएंगे, उनके अपोजिट नयनतारा देखने को मिलेगी और फिल्म में विलन की भूमिका में विजय सेतुपति देखने को मिलेंगे। तो आप कितने एक्साइटेड हो इस फिल्म के सॉन्ग्स को लेकर हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें।